which belongs to these characters, six of them here, and it represents their endeavor to climb their individual mountains, which is symbolically represented by the Everest base camp, but essentially it belongs to all of us who are climbing our little uchaiyan. Someone is wanting to climb the base camp, someone is wanting to shift house, someone is wanting to get married or no, someone wants to shift job or no. So it belongs to all ages and it represents the little uchaiyan that we need to keep climbing. मैंने प्यार किया, हम आपके कौन, हम साथ साथ है, प्रेम की दीवानी, विवाह, प्रेम रतन पायो. आई वॉज मेकिंग फिल्म्स वॉट आई वॉन्टेड टू मेक, बट कहीं जा कर के मैं बंधन में भी था, क्योंकि एक एक्सपेक्टेशन होता है कि आपकी पहली पिक्चर हिट हुई है, सेकेंड इज़ अ बिगर हिट, थर्ड इज़ अ बिग हिट, तो पीपल एक्सपेक्ट कि हाँ डांसेस होंगे, गाने होंगे, ब्यूटिफुल क्लोथ्स होंगे, लवली सेट्स होंगे, हिट म्यूज़िक होगा, मतलब हाईलाइट्स होंगे. बट If you ask me, this Unchai has liberated me. जब मुझे ये सब्जेक्ट मिला, सुलीन गांधी जी मेरे पास आए कि ये ऐसे दोस्तों की कहानी है जो अपने 50 साल का साथ, उस दोस्त के साथ इंडिविजुअली, जो डैनी जी प्ले करें, इंडिविजुअली सब ने 50 साल का साथ है, और जब उनकी मृत्यु होती तो ये बाकी सब लोग अब उनके लिए माउंटेन क्लाइंब करते, तो मुझे एकदम से लगा कि तो ये कहानी कहनी है. और फिर मैंने एकदम जैसे बंधन टूटा, कोई रेस नहीं चलना, कोई फर्स्ट डे का कलेक्शन नहीं, सेकंड डे, थर्ड डे, बस एक कहानी बोलनी है. तो मुझे लगा ये पहली बार जैसे कि आई हैव ग्रोन एंड फर्स्ट टाइम आई मेड कैरेक्टर विच आर वेरी रियल, और मुझे किसी से पूछना नहीं कि ऐसा होगा नहीं होगा, क्योंकि ये ऐसे हैं और ऐसे होने चाहिए. सारिका जी, आपको कैसे लगा सूरज जी ने आपको आपका कैरेक्टर प्ले करने के लिए कहा? मुझे बहुत अच्छा लगा कैरेक्टर, क्योंकि एक तो सबसे पहले स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लगी, और कैरेक्टर और स्क्रिप्ट में वो, जब मुझे कोई आता है बोलता है कि मैं आपको आपका रोल सुनाता हूँ, तो मैं उनको बोलती हूँ प्लीज़ ना सुनाए आप, बिकॉज़ आप मुझे सुनाएंगे तो मेरा रोल तो वर्ल्ड का बेस्ट रोल होगा, यू नो. आप मुझे स्क्रिप्ट दीजिए तो मैं देखूँ कि वो स्क्रिप्ट में कैरेक्टर कहाँ बैठ रहा है, कितना कैसे बैठ रहा है, तभी वो वर्क करता है. तो स्क्रिप्ट जब मैंने पढ़ी उसमें वो बहुत अच्छी तरह बैठ रहा था, और बहुत अलग तरीके से माला त्रिवेदी का जो कैरेक्टर है वो बहुत ही अच्छा, मतलब उसको बहुत, इन्होंने जो नुआंसेस दिए हैं उसको राइटिंग में, और उसको जिस तरह इन्होंने बनाया है मैंने उसी को फॉलो किया है, क्योंकि वो थोड़ा डाइसी कैरेक्टर है, अगर वो ठीक से ना लिखा हो तो वो खो जाए फिल्म में. जब ये किरदार बन गया तो मैं सोच रहा था कि किससे कास्ट करूँ मैं, क्योंकि बहुत ही सिंपल सा कैरेक्टर है, एंड वी हैव केप्ट हर वेरी सिंपल. दिल्ली में शादीशुदा हस्बैंड है, बच्चे हैं, और एक डिसीशन उन्हें लेना है कि परिवार को शायद बिना बताए एक क्लाइंब पे चलना है, वो भी अजनबियों के साथ, और वो भी क्लाइम है जो एवरेस्ट बेस कैंप तक, अपने मकसद के, अपनी आज़ादी के लिए. तो बहुत ही, मतलब बहुत ही डेलिकेट सॉफ्ट सा कैरेक्टर था. तो फिर बाय चांस इट हैपेंड कि मैंने इनका ऐसे गूगल करा था, तो मुझे सारिका मैम का एक वीडियो दिखा जिसके अंदर वो अपने बारे में कुछ कह रही थी, अपने बचपन के बारे में, और अच्छा सा क्लोजअप लिया था. तो क्लोजअप में मैंने वो आँखें देखी जिसमें मुझे जो सबसे पहले आया वो तन्हाई, जिसे लोनलीनेस कहते हैं, तो मुझे एकदम से माला त्रिवेदी की याद आई. फिर पीछे हम सारिका मैम का नंबर कहाँ से लूँ, फिर पता किया कहाँ पे, कहाँ रहती, फिर, और कोविड था तो मैं डायरेक्टली मिल भी नहीं सकता था पीक कोविड में. फ़ोन से बात की, स्क्रिप्ट पढ़ी, स्क्रिप्ट से फ़ोन किया इन्होंने, फिर हाँ, फिर हम लोग मिले. मुझे एक चुटकुली सी मैच्योर एक्ट्रेस हैं आप,
मैं समझाओ पहले क्या बोल रही हूँ, सेंटेंस का पूरा तात्पर्य बताओ। चुलबुली सी मैच्योर कैरेक्टर है आप, पता नहीं चलता कब आप चुलबुली और कब आप मैच्योर हैं। यू ट्रांसेंड कैरेक्टर्स विद सो मच ईज, एंड आपके पास में वो गट्स है कि आप सीधा लोगों को बोलोगे कि भाई हमारे एज के कैरेक्टर हमको दो, तो आपको कैसे लगा जब आपके एज का कैरेक्टर आपको सूरज जी ने बोला? उसमें लगने की कोई बात ही नहीं थी, सूरज जी अगर बुलाएं और बोलें कि खड़ी रहना एक सीन में वहाँ, तो मैं वो भी कर लेती, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। उसमें कोई सोचने की समझने की कोई बात नहीं थी। इट्स माय ऑनर दैट इन्होंने बुलाया, और इतनी अच्छी फिल्म जो बनी है मैंने देखा है रफ्कट, और इतना इतनी अच्छी स्क्रिप्ट, और उसमें मेरा रोल बहुत अच्छा, बहुत अच्छा रोल। आई रियली एन्जॉयड डूइंग माई रोल। शब्बो हिंदुस्तान की 99% औरतें हैं, सब शब्बो हैं, और आई थिंक दे विल आइडेंटिफाई विद माय कैरेक्टर। आपने नीना जी को शब्बो देखा? मतलब जो अगर आप शबीना का जो कैरेक्टर नीना जी प्ले कर रही हैं, वो मेरे हिसाब से ना सबसे रियल कैरेक्टर मैंने लिखा है, और काफ़ी मेरी माँ की झलक है, मेरी वाइफ की झलक है, जिस चीज लेडीज़ का है ना सब मैंने लिख दिया, बिकॉज नॉर्मल कर दिया मैंने, बिल्कुल कुछ छुपाया नहीं, कुछ संजीदगी नहीं की, और सबसे ज़्यादा लाफ्टर्स इन्हें मिलते हैं सबसे ज़्यादा, क्योंकि रियल हैं। और मतलब कार के सफ़र में जब जाती हैं तो पति भी हैं और देवर है, क्या है पता नहीं, फ्रेंड्स हैं, तो कभी फैल गई तो फिर अब पीछे सब लोग मना रहे हैं, अब फैलना भी है वो भी नेचुरल है। तो नीना मैम की बधाई हो, तो हम सब ने देखी है, पर वहाँ से जब से देखा तो मुझे लगा एंड व्हाट अ परफॉर्मेंस, व्हाट अ परफॉर्मर। तो फिर मुझे जैसे शबीना सजने लगी मेरे दिमाग में, तो नीना जी क्यों मुझे पता नहीं, पर मुझे नीना जी चाहिए थे। एंड प्लस इफ़ यू आस्क मी, इट्स अ वेरी लवली कैरेक्टर, बिकॉज मैं एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे नीना जी ने कहा कि अभी इफ़ आई गिव एग्जाम्पल ऑफ माई वाइफ, अब मैं वाइफ जब है तो बाहर जाओ तो मेरे लिए क्या, बच्चों के लिए क्या, और खुद कभी ग्वालियर जाएंगे ना तो कुछ नहीं, क्या खाना नहीं है, वो दाल मतलब शक्कर वाला पराठा लेके दो, बस मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। तो अपने लिए कभी नहीं किया, बट आई ऑलवेज वॉन्टेड दैट यू मस्ट ऑल्सो वॉन्ट समथिंग फॉर योर सेल्फ। तो जो शबीना है वो एट द एज ऑफ 65 इज नाउ गोइंग टू हंट की वॉट शी वॉन्ट्स, सो आई थिंक दैट इज़ वॉट आई वॉन्टेड नीना मैम टू रिप्रेजेंट। नफीसा जी प्लेज अ वेरी स्मॉल कैमियो रोल ऑफ अ लेडी हु इज एजिंग एंड हु इज फीलिंग रिजेक्टेड बाय हर हस्बैंड बिकॉज ऑफ एज। आई मीन व्हेन टू पीपल आर व्हेन पीपल एज टुगेदर दे शुड रिस्पेक्ट, आई डोंट नो वेदर मैम आई एम राइट, दे शुड रिस्पेक्ट एज, बट she has a role where her husband is avoiding taking her out in public because she started aging. So that rejection I wanted to be projected, which I think is a very wrong, maybe a wrong word, but so I wanted someone who has aged very beautifully. So beautifully. So if you look at her Junoon, no man? Ji, yeah. Junoon, I went first day metro because we were young boys and we went to see Nafisa Ali. So I just felt that she suits her role. No, even now when you see her, she's so beautiful with her, that's hair and everything, she's stunning. So Neha ma'am and Sarika ma'am, we all know how, you know, simple and sweet, Surat sir is. Well, like a college fest. Come on, you know, since he's a director, kabhi kuch bol diya, toh is cheez mein kitna fayda uthaya hai. इन्होंने हमारा फायदा उठाया। I'm telling you, this is really like a college fest question. I like it. हमने इनकी अच्छाई का कितना फायदा उठाया? जवाब दीजिए अब। मुझे लगता है मैंने अच्छाई का हमने अभी हम भी अच्छे हैं, ऐसा नहीं कि हम बुरे हैं, मतलब उनके जितने अच्छे नहीं है मगर बुरे भी नहीं है, इसलिए हमने उनकी अच्छाई का फायदा नहीं उठाया। लेकिन हाँ, जो एक अलग फायदा होता है एज एन आर्टिस्ट, एज ए पर्सन, जो जब आप किसी अच्छे इंसान और अच्छे डायरेक्टर के साथ करते हैं तो उसके बहुत एडवांटेज होते हैं,
वो सारे एडवांटेज मैंने लिए हैं मेरी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए. उस सेंस में यस आई हैव टेकन फुल एडवांटेज. अरे मैं तो मस्ती कर रही थी. मुझे ये बताओ कि कोई अगर इंसान अच्छा है तो मैं उसका फ़ायदा क्यों उठाऊंगी? मैं बुरे का फ़ायदा उठाऊंगी, मैं अच्छे का फ़ायदा क्यों उठाऊं? वो तो अच्छा है ही, हमने ऐसा कुछ नहीं किया. सच बोल रही सूरज जी, मतलब अभी ज़माना है कि 20 साल की उम्र के एक्ट्रेस और 50 का एक्टर, ये ज़माने इक्वेशन है बॉक्स ऑफिस पे भी, ये इक्वेशन को सक्सेस मिला है. आपको डर नहीं लगा कि आप उल्टा जा रहे कोई पसंद आए नहीं आए? और अगर आप आप सच मुझसे पूछे, जिस दिन ये कास्ट अनाउंस हुई तो मुझे इंडस्ट्री में बाहर से कितना रिस्पेक्ट मिला मैं ही जानता हूँ. अगर आप मुझसे पूछे कि ये कोई, तो एवरीवन इज क्यूरियस टू नो सूरज व्हाट आर यू डूइंग विद दिस. So with this kind of cast and this kind of experience, 325 years का experience है इस cast में. So ये तो subject पे depend करता है. अगर मैं ऐसा subject लेता जिसके अंदर एक requirement थी तो कोई age group सब पसंद, but subject demand करता है क्या क्या. और इस स्थिति में जहाँ मैं आज हूँ इस age में, तो मुझे कोई कुछ भी बोले मुझे तो वही बनाना है जो बनाना है. वैसे बीच में ना अभी एक सवाल कंटिन्यूसली उठ रहा था कि ना एक्टर्स डोंट वांट टू वर्क इन मल्टी स्टारर फिल्म, लेकिन अगर हम इस फिल्म की बात करें तो सारे बेहतरीन एक्टर्स हैं वो एक फिल्म में हम देख रहे हैं. वेल व्हाट वाज योर यू ऑल मतलब एज एन एक्टर क्या थॉट प्रोसेस था जब आपको पता चला कि यू नो इतने बड़े बड़े एक्टर्स हैं साथ में काम करने के लिए एज अ कोस्टार? वो तो बहुत अच्छी बात है. जितना अच्छा मेरे सामने एक्टर होगा उतनी मेरी परफॉर्मेंस एनहांस होती है, रैपो बनता है. तो जितना अच्छा एक्टर होगा मैं तो बहुत खुश होंगी कि भाई इनके साथ मज़ा आएगा, और हमें बहुत मज़ा आया काम करके आपस में. हाँ मुझे लगता है, मुझे ऐसी सिचुएशन बहुत अच्छी लगती है, एज एन एक्टर भी अच्छी लगती है और एज एन ऑडियंस भी बहुत अच्छी लगती है. जब मेरी जो कुछ बहुत फेवरेट फिल्म्स हैं उसमें बहुत सारे अच्छे एक्टर एक साथ आ जाते हैं, तो जब मैं देखती हूँ वो फिल्म एज एन ऑडियंस, मेरा दिल इतना खुश हो जाता है एंड में कि मैंने इन्हें भी देखा. तो मगर इसके लिए अच्छी और बहुत रिफाइंड सही तरीके से लिखी हुई स्क्रिप्ट होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं होती तो फिर सब बिखर जाता है. तो अगर वो हो तो मुझे लगता है ये तो और भी करना चाहिए, इट इज़ मोस्ट वेलकम. नहीं देखिए, मुझे लगता है जो ट्रू आर्टिस्ट है ना वो कभी नहीं सोचता ऐसे कि मैं करूँ सिंगल या मल्टी. जो थोड़ा सा डरा हुआ है, सहमा हुआ है, कॉन्फिडेंस लो है. अब आप ऐसे सीनियर एक्टर्स को कहाँ मल्टी स्टार रखो, दे वॉन्ट टू मेक अ गुड फिल्म. आई थिंक एवरी वन शुड लर्न विथ दिस एक्सपीरियंस कि कभी भी मैंने इतने 80 दिन काम किए, कभी ऐसा नहीं हुआ कि किन्हीं कोई भी लेडीज़ ने या जेंट्स ने कहा कि मेरा लेफ्ट राइट कुछ नहीं. सीन अच्छा होना चाहिए. कितनी बार ऐसा हुआ सारे का मैम ने कहा मैं यहाँ कोने में बैठूँगी. आज कोई बोल दे कि कोने में बैठूँगी, सबसे पहले आता है कि मेरा कौन सा लेफ्ट राइट. सो आई थिंक वही सोचते हैं कि मल्टी में नहीं करना, जिनको या तो जैसे सारे का मैम ने कहा तो स्क्रिप्ट में रोल, मेरा रोल क्या है, बाकी सामने कोई भी हो तो एडवांटेज ही होता है जितना सामने आपका को स्टार हो. सो मैंने कभी ऐसा सर, मैंने तो ऐसे को स्टार के साथ काम किया है टेलीविज़न में जिससे मैं बात नहीं करती थी रियल लाइफ में. झगड़ा था हमारा, आई प्लेड हिज वाइफ, बट आई डिड इट. करना है उस वक्त काम करना है तो करना है. यहाँ किसी का झगड़ा नहीं, यहाँ सबकी दोस्ती थी और हम सब जाते थे सेट पे. बस ये होता था सूरज जी होंगे वहाँ पे, वो सब संभाल लेंगे, हम मेहनत से काम करेंगे और हंसी मजाक करके घर आ जाएंगे, खाएंगे पिएंगे और घर आ जाएंगे. सारिका जी,
तो आप मतलब व्हाइल शूटिंग दिस फिल्म व्हाइल फेसिंग द कैमरा एट ऑड लोकेशन में कभी आपने रिविजिट किया अपना पहला जो शूटिंग का दिन था या अपना पहले जो बिगनिंग के डेज थे और ये फिल्म कभी रिकनेक्ट हुआ आपको व्हाइल शूटिंग दिस फिल्म उनसे पीछे आप दोनों से अच्छा मतलब कि मैंने आप क्या बोले इन सिंपल वर्ड्स यू आर सेइंग इफ आई वाज मिसिंग माय यू मतलब आपको कभी लगा कि पहले नो सॉरी आप यू बिगन एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट एज आई हां वही ना मतलब यू थॉट अर्लियर डेज का तो अभी ये फिल्म इज इट एज पर योर रियल इट्स अ रियल लाइफ कैरेक्टर या और आपने आपका एज भी रियल कैप्चर हो रहा है करेक्ट तो आप व्हाइल शूटिंग आप कभी हाँ मैं समझ गई वही बात हो गई वही आप कह रहे हैं लेकिन मुझे नहीं लगता मैं उसमें बिलीव ही नहीं करती हूँ मेरे लिए तो अगर कोई फिल्म आपने की है वो 2 साल भी हो गए तो मुझे लगता है आई हैव टू वर्क हार्ड टू मेक अ न्यू फिल्म बिकॉज दैट इज़ डन एंड डस्टेड इट्स गॉन सो आई नेवर रियली लुक बैक आई एम ओनली वरिड अबाउट व्हाट आई एम गोइंग टू डू टुमारो बिकॉज वो नहीं हुआ तो रेलिवेंस नहीं रहेगी मेरी If I want younger generation to know who I am, instead of their parents or elder sister and uncles telling them, oh, you know, Sarika did that, that's not good. They should know me. They should say, oh, I've seen her film. I either like her or I don't like her. So I'm always looking forward. Backward wala ho gaya. It's gone. मैंने तो चाइल्ड आर्टिस्ट नहीं किया, मेरे को फंक्शन दोबारा से पता पूछना समझ नहीं आया ऐसा कुछ याद नहीं आया मैं सोच रही हूँ अभी तो मुझे कुछ ऐसा याद नहीं आया कि ये रोल करते हुए मैं किसी दूसरे रोल के बारे में सोचा कि उससे कुछ मिला मुझे ये नहीं टेक्नोलॉजी भी चेंज है और स्क्रिप्ट की कहानी मतलब एज पर द एज है कोई ऐसे नहीं छोटा बड़ा है नहीं बट इट्स स्टोरी इज अ हीरो एंड अ कैरेक्टर इज अ हीरो यस यस उस हिसाब से आपको कभी पर मतलब आपके पैरेलल सिनेमा में ऐसा होता था कि हीरो एक अलग और बाकी सब पूरा अब ना ऐसे ऑनसेंबल कास्ट बहुत होने लगे हैं मैंने 2-4 किए हैं तो ऐसा नहीं है कि हमें लगे कि अरे हम इसमें जा रहे हैं हीरो तो मिस्टर बच्चन होंगे ऐसा हमें कोई डर नहीं लगा हमारे पास स्क्रिप्ट सामने थी तो ऐसा कुछ नहीं हुआ हालांकि एज एन एक्टर आपका जो पूर्व अनुभव होते हैं वो कहीं ना कहीं काम आते रहते हैं इन योर सबकॉन्शियस बहुत ऑनेस्टली बोलते एंड उनका सी एवरी एक्टर इज ओपन टू बी करेक्टेड It's just that, you know, and he would say, ke, I think, I don't know, maybe I'm wrong, but he always wanted to know why was it done that way, and because that's not what he wanted or something. But when he liked it, he was like a child, like, that's why I keep saying, Suraji has a childlike passion for his work, no, but, which I've never seen. No, but what I did differently, or I do it often, but this way specifically, because I know ki mere paas aisa ऐसा टैलेंट है एंड आई डोंट वॉन्ट टू वेस्ट द इनिशियल शॉट्स तो मैं जब वैन में जाता था चाहे नीना मैम के सारिका मैम के बच्चन सर के सो आई मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर कि मैं जो सोच रहा हूँ क्या नीना मैम सारिका मैम वैसे सोच रही हैं क्या माला को या शबीना को ऐसे ले जाएं कैसे इतना गुस्सा इतना होना चाहिए कितना और फिर मैंने कहा बच्चन सर का भी ये करा रहा हूँ बोमन सर का ये कर रहा हूँ सो आई वॉन्ट आई बिकेम क्लियर तो जब व्हेन डायरेक्टर एंड एक्टर गेट क्लियर देयर इज नो वे यू कैन गो रॉन्ग एक्सेप्ट आउट ऑफ फोकस हां व्हाट क्या गलत होगा एंड यू हैव टू स्पेंड द टाइम बिफोर द प्री शूट कई बार ऐसा हुआ कि मैंने कहा ये स्माइल होनी चाहिए एंड इतना एक्सपीरियंस है खुद को आके मैं बोलता था कि कैसे करना खुद ही बोल देते ये ऐसे कर लेती हूँ ऐसा कर लेता हूँ डायलॉग कुछ भी बोल दो क्या गलत बोलेंगे इफ एज लॉन्ग एज इंटेंशन आई कम टू सो आई थिंक दैट रियली हेल्प Otherwise, getting such all at one shot and then to be confused means that you're gone. Death. What does Moonshine mean to you, Dinesh?
means to me happiness. सूरज सर परिणीति भी फिल्म का हिस्सा है, लेकिन हमने देखा कि यू नो शी इज नॉट बीन अ पार्ट ऑफ दिस ऑल प्रमोशन एंड ऑल, कोई खास वजह क्या? अरे हम नहीं पसंद आपको जो है अभी अनुपम जी भी ऊपर थे, मैंने अच्छा हुआ ना वेट नहीं किया हमने, नहीं तो वो निकल जाते ना 15 मिनट। मेरे को ये पूछना है, व्हाट डज ऊंचाई मीन टू यू? ऊंचाई फॉर मी मींस एंड विल ऑलवेज मीन अ वेरी गुड एक्सपीरियंस एज एन एक्टर, अ वेरी गुड एक्सपीरियंस एज अ पर्सन, एंड आई हैव यू नो फाउंड यू नो दिस लाइक some of them I have worked with before, some I have not, so this whole you know journey has been, Unchai will always be very special. Even if you ask me 5 years from now on promotion of some other film, I'll still say Unchai is very special to me. Sir, just last two questions to you. Aapne jab Pariniti ko ye guest role suggest kiya, how did she react, what does she represent, and what does Unchai mean to you, sir? Actually, Pariniti in this film represents the younger generation. She plays a role of a trek leader who is leading a big trek, and it's not a joke to really hold fort with 20 people who are trekking with you. So, she's a girl of today who's a professional and who needs to be on time, and she somewhere doesn't like elders too much. बिकॉज जो ट्रैक पे आते हैं तो किसी को आलू पसंद नहीं, किसी को चना सूट नहीं करता, किसी के लू ब्रेक्स, एंड एल्डर्स कैन गेट एडमेंट ऑल्सो. सो दैट्स हर कैरेक्टर, एंड देन शी हैज़ टू ट्रैक दिस एज ग्रुप, एंड इन द जर्नी दे आर ऑलमोस्ट लाइक ग्रैंड पेरेंट्स फॉर हर एज, एंड हाउ दिस दे कम टुगेदर, एंड शी टेक्स दैम अप, एंड वेन शी टेक्स दैम अप शी फाइंड्स हर ओन लिबरेशन, शी फाइंड्स हर ओन आंसर्स. So I wanted an actress who was also a matured actor who can actually stand forth against opposite this seniority. It's not a joke. As a director, when I know what it is. So as a young actress to stand up and be. So I wanted someone with that maturity, and also someone who can look soft and who can look pure. So when I approached Pariniti. I told her it's a smaller role, but see, everyone has a role. So again, I think what Sarika ma'am, Neena ma'am said is very true. I sent her the script. She read this. Everyone should be clear that kya role hai. Then there is no confusion. The day a director tries to decorate a role and try to sell it, you get caught. I think it's best to be honest. So what does Unchai mean to you, sir? I think Unchai for me is to face your fear. I have enough fears. And I have this great fear of illnesses, and I made this film in the middle of COVID. I know. So to face my greatest fear is HIV. So we started in COVID, we ended in COVID. Suraj ji, Bachchan ji, Bachchan sir, काफी selective है role के बारे में. तो किस तरह से उनके नाम को